तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो, जिसके अंदर हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही बढ़िया सी सीरीज़। और भाई इस सीरीज़ का नाम है मॉम स्पेशल। पूरे सीरीज़ के अंदर आपको मसालों की ही रेसिपीज़ मिलेंगी, तो होप यू ऑल विल इन्जॉय इट एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओम साई राम जी, आज हम मीट मसाला बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी, अगर आप किसी सब्जी में भी डालेंगे तो उसका टेस्ट में चार चांद लग जाएंगे। देखिए इसके लिए हमने लिया है मोटी इलायची, थोड़ी सी छोटी इलायची, ये हमने 5-5 ग्राम के आसपास लिया है। ये हमने लिया है बादियान, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बढ़ता है। थोड़ी सी दालचीनी, सूखा धनिया, इसको हम रतन जोत बोलते हैं, ये मैंने 5 ग्राम लिया है रतन जोत। ये मैंने कड़ी पत्ता सुखा के रखा हुआ है। काली मिर्ची, काली मिर्च आप साबुत ले सकते हैं, मैंने थोड़ी सी महीन, बिल्कुल महीन नहीं है, थोड़ी पीसी हुई है। ये मैंने लौंग लिए हैं थोड़े से, थोड़ी सी कलियाँ, 8-9 कलियाँ उसकी ली हैं। और मैंने ये लिया लहसुन, लहसुन की मैंने 7-8 कलियाँ लहसुन के लिए हैं। ये है वाइल्ड मेलन, जिसको हम हिंदी में कचरी बोलते हैं। ये है रेड चिली। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गैस ऑन करूंगी, गैस ऑन करके सबसे पहले मैं लहसुन की कलियां डालूंगी, क्योंकि लहसुन की कलियों को अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से सुखा लेंगे तो हमारा मसाला कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप जितने ज़्यादा मर्जी क्वांटिटी में बना लीजिए, ये ख़राब नहीं होगा, इसको बस अच्छे से सुखाना ज़रूरी है। इसके लिए हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसको टॉस करेंगे। देखिए अब ये हमारी लहसुन की कलियाँ, देखिए रंग बदल गया, पानी सूख चुका है, अब ये अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ये कचरी डालूंगी। अब ये मुझे सूखे मसाले, अब मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ा थोड़ा ये मसाले डाल के मुझे थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का टॉस करना है। अब मैं इसमें ये दालचीनी और बादियान डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें धनिया डालूंगी और मुझे इसे 2-3 मिनट तक मैं इसे अच्छे से भूनूंगी, ताकि धनिया भी मेरा अच्छे से भून जाए। अब मैं इसमें मोटी इलायची और हरी इलायची ये डाल रही हूँ। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता, काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग ये ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें मिर्ची ऐड करूँगी। इसे मुझे अच्छे से भूनना है, फ्लेम को हमें थोड़ा मीडियम से हाई, कभी मीडियम और कभी हाई रखना है, और इसे लगातार कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते रहना है कि ये जले ना मसाले, और हमें इसे अच्छे से भूनना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। अब हम इसमें एक ये जो मैंने आपको बताया रतन जोत, ये ऐड करेंगे। ये मसाला, ये रतन जोत ऐड करने से मीट मसाला में रंगत आ जाती है, एक अलग ही रंगत रहेगी, टेस्ट अच्छा आएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा। ये शायद आपको ना पता हो, ये मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाता है रतन जोत, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हमारे मसाले को। और घर के बने मसाले की तो बात ही कुछ अलग है, उसमें आप वेजिटेरियन हैं तो आप सब्जी में डालिए इस मसाले को, और अगर आप नॉन वेज बनाना चाहते हैं मीट मसाला तो चार चांद लगा देगा।
बस ये 2 से 3 मिनट और लगने हैं। हमारे सारे मसाले भुन चुके हैं अच्छे से, ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा अच्छे से अब सारे मसाले भुन चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करूँगी, ठंडा रख करके फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी इन मसालों को। अब हम ये सारे मसालों को ग्राइंड करेंगे। ये हमारा देखिए मसाला पिसकर रेडी है। आप इसको किसी भी सब्जी में भी डाल सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मीट के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप और भी किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। अब आप इसे किसी भी कंटेनर में डालकर रख सकते हैं, किसी भी डिब्बे में, ख़राब नहीं होगा, गारंटी है। आप कितना भी टाइम रखें ख़राब नहीं होगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मीट मसाले की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मॉम स्पेशल रेसिपीज़ और बहुत ज़्यादा आने वाली हैं ऐसे ही, और कई सारे मसाले मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखें।